नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार और मैं हूं आपके साथ रुचि पांडे। इजराइल में बीते हफ्ते एक नया लॉकडाउन आदेश लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले से स्थानीय जनता नाराज है। स्थानीय जनता ने रविवार को यरूशलम में उनके सरकारी आवास के बाहर अपना एक साप्ताहिक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कई मांगे भी रखी हैं। बीते शुक्रवार को इजराइल में 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। दरअसल नेतन्याहू सरकार ने देश में मई में अर्थव्यवस्था को जल्दी और गलत तरीके से खोल दिया था, जिसके बाद COVID-19 के मामले तेजी के साथ बढ़ने लग गए और एक दिन में 2000 तक नए मामले सामने आने लगे। देश में अर्थव्यवस्था की हालत भी खस्ता है और बेरोजगारी की दर करीब 20% तक पहुंच गई है। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि इससे पहले इजराइल में पहला लॉकडाउन मार्च और अप्रैल में लागू किया गया था। इजराइल के वाणिज्यिक तेल केंद्र के पास स्थित बनेई ब्राक नगर में जनता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यरूशलम में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और एक बार फिर लगी पाबंदियों के खिलाफ कचरा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल वासियों ने सभी नियमों को भूलकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जमकर विरोधी नारे लगाए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार से मांग की कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में सुनवाई चल रही है। साथ ही साथ नेतन्याहू पर धोखाधड़ी और 3 अलग-अलग मामलों में रिश्वत लेने का भी आरोप है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ आपराधिक सुनवाई जून में शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर अपने खिलाफ लगे आरोपों को मानने से इनकार कर दिया था। इस समय लगभग पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत में भी रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। साथ ही साथ भारत में बेरोजगारी दर में भी इजाफा हुआ है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर इजराइल की तरह भारत में भी एक बार फिर से लॉकडाउन लगा तो क्या भारत में भी इजराइल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है? आपको बता दें कि यह केवल एक अनुमान है। मीडिया दरबार फिर से लॉकडाउन लगने की किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता। देश और दुनिया की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।